ये कहानी है आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद के एक छोटे से गांव में रहने वाले अरुमुला बाबूराव की। किसान परिवार से आने वाले बाबूराव, कभी दो वक्त की रोटी के मोहताज रहे बाबूराव। बाबूराव की कहानी आपके दिल को छू लेगी। मुफलिसी बाबूराव की किस्मत में थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर नहीं पाए। पांचवीं तक की पढ़ाई महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपने चाचा के साथ की। स्कूल में पढ़ाई तो फ्री थी, लेकिन किताब छात्रों को खुद खरीदनी पड़ती थी। छठी क्लास के बाद बाबूराव को अपने समुदाय द्वारा चलाए जा रहे एक हॉस्टल में रहना पड़ा। यहां रहकर पढ़ने और खाने पीने की फीस 100 रुपया महीना थी, लेकिन हॉस्टल में 5 गरीब बच्चों को फ्री में रखा जाता था। बाबूराव उन्हीं 5 छात्रों में शामिल थे। उस वक्त बाबूराव की उम्र करीब 16 साल की थी। वो 10वीं की क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें किताब खरीदने के लिए 100 रुपये की जरूरत थी। वो अपने गांव गए और पिता से किताबें खरीदने के लिए 100 रुपये मांगे। पिता बोले कि शाम तक उन्हें पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। पिता ने उनकी हथेली पर 100 रुपये रख दिए। दूसरे दिन बाबूराव ने अपनी माँ को दूसरों के घरों से छाछ मांगते देखा। बाबूराव ने पूछा कि वो दूसरों के यहां से छाछ मांगकर क्यों ला रही है। मां की आंखें भर आई और बोली, तुम्हारे पिता ने हमारी दूध देने वाली गाय 120 रुपए में बेच दी ताकि तुम किताबें खरीद सको। बाबूराव का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो अपने परिवार के हालात बदल कर रहेंगे। इसके बाद वो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों बनाने निकल पड़े। आज वो हैदराबाद के मशहूर नीलोफर कैफे के मालिक हैं। जिस कैफे में कभी वो झाड़ू लगाया करते थे, उसी कैफे के आज वो ओनर है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बाबूराव की कहानी संघर्ष से सफलता के आसमान में पहुंचने की दास्तां है। बाबूराव अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए 1975 में हैदराबाद आ गए। कुछ दिनों तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए, फिर एक कपड़े की दुकान में काम करने लगे। रात को दुकान बंद होने के बाद वो वहीं बरामदे में सो जाया करते थे। मालिक उन्हें रोज खाने के लिए 5 रुपए दिया करता था, लेकिन ऐसा कब तक चलता। जब उन्होंने अपनी परेशानी कुछ दूसरे कर्मचारियों को बताई तो किसी ने कहा कि तुम किसी होटल में नौकरी क्यों नहीं कर लेते, वहां रहना खाना सब मिल जाएगा। बाबूराव ने एक छोटे से होटल में 8 महीने तक काम किया। उन्हें दिन के 10 रुपए मिलते थे। बाबूराव अपने स्वभाव की वजह से सबका चहेता बन गया। एक दिन होटल में एक ग्राहक आया और बोला, बाबूराव मैं होटल खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? उसी दिन से बाबूराव की जिंदगी बदल गई। बाबूराव को जल्द ही पोछा लगाने के काम से हटाकर वेटर बना दिया गया। फिर वहां से उन्हें किचन में शिफ्ट कर दिया गया। बाबूराव की स्पेशल ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट के लोग दीवाने हो गए। 2 साल में ही होटल के मालिक ने बाबूराव को एक ऑफर दिया। बोले, बाबूराव होटल तुम चलाओ, बस मुझे हर महीने की कुछ तय रकम दे दो। इस तरह से बाबूराव होटल के पार्टनर हो गए। कैफे नीलोफर चल पड़ा। साल 1993 में बाबूराव ने कैफे नीलोफर को खरीद लिया। अब वो इस कैफे के मालिक हो गए। बाबूराव ने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया। कोई सोच सकता है कि एक लड़का जिसके सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, आज वो एक शानदार कैफे का मालिक है। जिंदगी यही है, कभी बेरहम तो कभी बेहद नरम। बस हमें हर हाल में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।